बुलंदशहर हिंसा में शहीद हुए सयाना के थाना प्रभारी शहीद सुबोध कुमार सिंह को समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जायुल इस्लाम के नेतृत्व में महानगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नगर निगम परिसर से कैंडल मार्च निकालकर टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जायुल इस्लाम ने कहा, चलिए चलते रहिए, कहाँ रुक गए, चलते रहिए, फिर रुक जा रही आप लोग। समाजवादी पार्टी के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज गोरखपुर समाजवादी पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। बुलंदशहर के अंदर जो दंगा करने की साजिश हिंदूवादी संगठन द्वारा की गई थी, इसकी समाजवादी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। मैं ऐसे शहीद को सलाम करता हूं, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सलाम करता है इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को, कि जिन्होंने पूरे देश को और पूरे बुलंदशहर को बचाने का काम किया। अब ये एहसास हो रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग काम के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे को झोंक करके ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान अखबारों में मैंने टीवी चैनलों पर देखा, उन्होंने कि बोला कि गौकशी की बात करें, मैं गौकशी के बारे में स्पष्ट कर दूँ कि जहाँ ये घटना घटी है वहाँ 10 से 12 गांव ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी नहीं के बराबर है, शायद एक दो परिवार हो, उसके अलावा कोई परिवार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि घटना एक पूरी रणनीति के तहत कराई जा रही थी, मगर इंस्पेक्टर की बहादुरी को सलाम करना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर ने बहादुरी से इस मामले का पर्दाफाश किया। समाजवादी पार्टी की मांग है इस मामले की CBI इंक्वायरी हो और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और इंस्पेक्टर को शहीद का दर्जा दिया जाए। अगर समाजवादी पार्टी की सब मांगे नहीं मांगी जाएगी तो इस आंदोलन को और तेज कर करके संघर्ष किया जाएगा। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि तत्काल राज्यपाल को इस मामले में और राष्ट्रपति को हस्तक्षेप कर करके
सीबीआई इंक्वायरी का तत्काल घोषणा करना चाहिए और ये मामला पूरा सीबीआई को देना चाहिए। हम तो लग रहा कि सरकार ऐसे लोगों को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। एडीजी लॉ ऑर्डर का बयान आता है और जो मुख्य मुलजिम जिसको पुलिस ने स्वयं बनाया है और एडीजी लॉ ऑर्डर उसका नाम तक नहीं ले रहे हैं, केवल स्लॉटर हाउस की चर्चा कर रहा है। मेरा कहना है कि केवल सरकार ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी इसके लिए संघर्ष को पूरी तरह से मन बना चुकी है। जियाउलहक की घटना इस घटना में फर्क है। जियाउलहक की घटना दूसरे मामले में लगी है तो दंगा कराने के लिए से की गई थी और जियाउलहक के साथ जो लोगों ने घटना किया थे वह जेल के सराखों के पीछे हैं। उनको समाजवादी पार्टी की सरकार ने बख्शने का काम नहीं किया था, मगर ये सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है, इसलिए हम इसके लिए आक्रोशित हैं। और समाजवादी पार्टी आज ऐसे में शहीद इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुई है और हमको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं।